वेलकम बैक अजमित, आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कैपकट से सिर्फ एक क्लिक करके अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोटो बनाना चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक करके अपने फ़ोटोज़ पर से बैकग्राउंड रिमूव कर सकें और उसको एक PNG बना सकें, तो अभी कैपकट में एक नया ऑप्शन आया है जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपका फ़ोटो PNG बन जाएगा। कैसे आपने करना है इसके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को भी लाइक करें, और पहली मरतबा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भाई, सबसे पहले आप इसके लिए अपनी कैपकट ऐप ओपन करें, और कैपकट ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे नीचे एक्सपेंड, ऊपर टॉप में एक्सपेंड एक ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, सही है, या स्क्रीन नीचे इस तरह खींचोगे तब भी ये ऑप्शन शो हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसके बाद एक और टूल भी आपने यूज़ करना है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले रिमूव बैकग्राउंड ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर आप वो फ़ोटो सेलेक्ट करें जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, सही है, नीचे एडिट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये रिमूव हो गया है। इसके साथ अब देखें काफ़ी सारे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है उसके बदले में कोई और बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, कोई और कलर यानी, तो यहाँ पर देखें ये सारे कलर्स हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सही, बैकग्राउंड रिमूव करने का ये ऑप्शन है। इसके साथ यहाँ पे कट आउट एक ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें फिर आप ये कर सकते हो कि लेट्स सपोज आपका फ़ोटो सही से सिलेक्ट ना हुआ हो, जैसे ये इस जगह में आप कलर ऐड करना चाहें, तो ऐसे में आप यहाँ से मैनुअल ये कलर सेलेक्ट करोगे, साथ ये एक क्विक सेलेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। इसका काम ये है कि जैसे लेट्स सपोज ये इस तरह सही नहीं हुआ है, ऐसे में आप क्विक सेलेक्ट में आगे इस तरह खींचोगे तब भी ये खुद ब खुद पूरा आ जाएगा, सही है, जहाँ पे ये बाहर निकला हो वहाँ पे ये इरेज टूल यूज़ करके आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, मैं भी एक मरतबा इमेज देखता हूँ, अगर ये सही से हुआ है तो मैं डायरेक्ट सेव करूँगा, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर ऐड करते हैं मैनुअली, ठीक है, यहाँ से इस तरह ये कलर आप ऐड करेंगे जहाँ पर भी ये सही नहीं हुआ है। एक क्लिक में वैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो आप यहाँ से ये टूल्स यूज़ करके ठीक कर सकते हो। फिर आपने सिंपल ऊपर टॉप में देखें ये एक्सपोर्ट ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका इमेज जो है वो आपकी डिवाइस में यहाँ से सेव हो जाएगा। तो ये तरीका है कैपकट से इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने का। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।